भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुकलेट बांटी कि हेमंत बिश्व शर्मा जो उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे उन्होंने वाटर स्कैम कर दिया, उन्होंने शारदा स्कैम कर दिया, वो भ्रष्टाचारी है, उनको सत्ता से हटाया जाए। कितने महीने कैंपेन चला? 6 महीने भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया। उनका वर्कर एक एक घर में गया, शाखा में गया, मोहल्लों में, चाय की दुकानों में, सब जगह बोलते रहे हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, उसको हम जेल में डालेंगे। उसके बाद क्या हुआ? हेमंत बिश्व शर्मा को इस चमत्कारी वॉशिंग मशीन में डाला गया। कहा है हेमंत, आओ तुम आ गया हो। ये देखो, ये बड़ा बेचारा मेला मूला है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हुए हैं। दुखी हो? अरे हंस के हो, दुखी हो जाओ। अभी तुम दुखी दिखो क्योंकि तुम्हारे ऊपर सीबीआई और ईडी पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे। दुखी हो जाओ। अब ये बेचारा दुखी है, ये बहुत दुखी है क्योंकि सारी भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे पड़ी हुई है, इसको भ्रष्टाचारी कह रही है, इसके पीछे सीबीआई और ईडी भी पड़ी हुई है, परिवार भी इसका बहुत परेशान है। क्या कहते थे? मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे पीछे ईडी पड़ी हुई थी, मैं जब भी पीढ़ी सुनता था, सीढ़ी सुनता था, मुझे ईडी सुनाई देता। मेरे दोस्त कहते थे तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। सुनिए आपने वो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर इन्हें डाला गया। जाओ वत्स, अंदर प्रवेश करो, अभी अंदर ही रहना। अभी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इसकी धुलाई हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? अब दो ही तरह से धुलाई हो सकती है, तो जनता धुलाई कर दे या वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी धुलाई कर दे। तो अब ये धुल के साफ सुथरा हो के कौन से रंग में निकलेगा? संतरा। अभी देखते हैं जादूगर पाशा। कितना खुश नजर आ रहा है। पहले ये कांग्रेस के अंदर सिर्फ मंत्री थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और भी है हमारे पास कुछ लोग। आप कौन है? अरे फोन फोन सुमित। ये अजीत पलवर हैं। आगे से हटाओ यार, नीचे नीचे नीचे। दुखी हो जाओ। ये भी बहुत दुखी है। और इनके विषय में आपको याद होगा कहा गया था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का कॉपरेटिव घोटाला किया। कितने का? 70,000 करोड़। तीनों अलग अलग बोलेंगे, बोलो 70,000 करोड़। इतना बड़ा घोटाला किया था और कहा था जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, थोड़ी जगह बना के सब लोग कहेंगे। अरे आप इस पे एक्शन तो करो यार, वीडियो बनेंगे ऐसे कि पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अब कौन बताएगा कि चक्की क्लॉकवाइज पिसती है या एंटी क्लॉकवाइज पिसती है? और कैसे भी पिसा लो पिस जाएगा। क्यों गुप्ता जी, ठीक कह रहे हो ना? तो इनके बारे में ये कहा था, तब ये एनसीपी में थे, फिर ये इस अद्भुत मशीन के अंदर गए। जाओ स्विच ऑन करो, गुप्ता जी कह रहे हैं। टॉप लॉडेड में गए सीधे। अब ये मशीन जो है इसके अंदर इनकी धुलाई हो रही है। आओ भाई बाहर आ जाओ। कैसे रंग के अंदर आएगा? संतरा। आओ। अरे ये देखो कितने खुश आ रहे हैं। तो पहले इनको
भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। और दो तीन दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि इनके ऊपर जो मुकदमा भी चल रहा था वो मुकदमा भी खत्म कर दिया गया। अभी तीन दिन पहले इनकी पत्नी के ऊपर एक मुकदमा था, कितने का था? 26,000 करोड़। आजकल यूथ इनको ज्यादा पड़ रहा है। 26,000 करोड़ का मुकदमा इनके ऊपर खत्म हो गया। ये है इस वॉशिंग मशीन का चमत्कार। बोलो वॉशिंग मशीन की जय। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। देखो कितनी मेहनत करके उन्होंने उपकरण बनाया, देश का नाम ऊपर किया उन्होंने। अब कौन है अगले? ये है प्रवीण जिंदल। नाम क्यों बदल दिया तुम्हारा? कोई बात नहीं, लोग समझ गए ना तुम कौन है। इनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप था, कोयले घोटाले का। इनके बारे में कहा जाता था इन्होंने हजारों करोड़ का कोयला घोटाला किया है। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर ये मशीन में जाएंगे तो तुम्हें टिकट विकेट तो नहीं चाहिए कहीं का? बताओ तो सही, मंत्री पद चाहिए? बहुत प्यार से बता रहा है, सबको नहीं बताया, प्यार से मुझे बताया इसने, मुझे मंत्री पद चाहिए। कहां का मंत्री बनोगे तुम? कोयले के शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री तो बीजेपी भी नहीं बनाई थी। ठीक है तुम मशीन में हो क्या? अमित शाह अब अंदर इनकी धुलाई हो रही है सर्फ एक्सेल से। तुम क्या, तुम कहां से आए हो? तुम मशीन ठीक करने के लिए वीडियो बन रही है, होने पर आओ भाई। गेम कर दो, ऐसे कर दो यार, ऐसे कैसे मंत्री हो? अब हम इनको कुरुक्षेत्र से लड़वा रहे हैं। तो पहले तुम चुनाव जीतो फिर तुम्हें मंत्री बनाएंगे, ठीक है? संतरी से मंत्री खुश है बहुत ज्यादा। जाओ तुम खड़े हो जाओ इसी जगह। ये कौन है? ये है पावरफुल पटेल। ये वाकई में ही दुखी है, ये अच्छा एक्टर है, ये बहुत दुखी है। इनके ऊपर भी इंडियन एयरलाइंस के अंदर घोटाले करने के आरोप हैं और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लंबी कैंपेन चला रही है। एनसीपी के ये बड़े नेता रहे हैं। अब आप जाओ वॉशिंग मशीन खरीदो। ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके पैसे काटो। तुम मत घुसो अंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको क्या चाहिए जीतने के बाद? कोई ना कोई मिनिस्टर चाहिए, इन्होंने कोई मांगा नहीं है बेचारे, जो मिल जाएगा उस पर काम चला देंगे। फाइनेंस कैसे दे देंगे? फाइनेंस नहीं देंगे, कुछ और देंगे। और कौन बचे? जनार्दन मंटी। इनके ऊपर भी बहुत सारे घोटालों के आरोप हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, हमारे साउथ दिल्ली के और नई दिल्ली के दोनों प्रत्याशी आपके बीच।